हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया। ये क्वेश्चन मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसको दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने सर बोला कि एक बार और रिपीट कर दीजिएगा सर क्वेश्चन को, तो मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ और इसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वॉरियर, मतलब कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिसमें जो भी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है उस प्लेलिस्ट का, 29 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रेशनल नंबर दैट इज 1/7 ऑफ द वे फ्रॉम 1 होल 3/4 टू 4 होल 3/8। मतलब ये फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो 4 1 जा 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 7 7/4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा उसके बाद, इसको देखेंगे चेंज करेंगे तो 8 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 32 33 34 35। मतलब जो ऐड करेंगे ऊपर वाले को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 35/8। अब इनके बीच में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा, इनके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उसका 1/7 इन्हीं ऑन द वे ऑफ द वे, मतलब जो इस वे में हम लोग चलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग चलेंगे, तो इसमें जितने भी रेशनल नंबर आ रहे हैं उसका 1/7 नंबर वाला कौन सा होगा। 1/7 मतलब मान लीजिए इसमें जो भी नंबर आएगा भी हम उसको गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 है और यहाँ पर 8 है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 7/4 इंटू 2 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 14/8 आ जाएगा। और इधर भी हमारे पास क्या था 35/8, मतलब यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर भी 8 हो गया और ये भी हमारे पास क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाले बीच, इनके बीच में कितने नंबर होंगे कैसे मिलेगा, ऊपर ऊपर जब नीचे का सेम हो जाएगा तो डायरेक्ट ऊपर का क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 35 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 का 1/7 क्या होगा, 1/7 का मतलब होता है 1/7 से मल्टीप्लाई करना, हाफ बोलेगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई, अगर 1/3 बोल रहा है तो 1/3 से मल्टीप्लाई, 1/3 बोल रहा है, 1/3 बोल रहा है तो क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई, 1/4 बोल रहा है तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर 1/7 बोला है तो 1/7 से मल्टीप्लाई, मतलब 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ये। मतलब तीसरे नंबर पर हम इस पर इसको क्या करें, पहले अरेंज करते हैं, तो अरेंज कैसे करेंगे देखिए, 15/8, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं 14/8 कॉमा, फिर 16/8, फिर 17/8, फिर 19/8 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 34/8, फिर 35/8। तो हम यहाँ से जब शुरू करेंगे पहले वे पे जाएंगे, मतलब ऑन ऑफ द वे बोला, ठीक है, 1/7, तो क्या हमारा थर्ड वाला पोजीशन हमको पता करना है, तो पहला 1, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, तो तीसरा वाला हमारा कौन सा हो जाएगा 17/8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड टर्म है, कौन सा टर्म है, ये थर्ड टर्म्स है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 17/8। ये तो हमारा मतलब नॉर्मल मेथड था, ठीक है, इसको हम लोग जनरल मेथड कहते हैं, ये हमारा जनरल मेथड था, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जनरल मेथड से हमने किया, ठीक है। इसका एक फार्मूला भी होता है, क्या होता है, एक फार्मूला भी होता है, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग इस फार्मूले को क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। यूजिंग द फार्मूला मैं नीचे लिख रहा हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा, यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला, क्या फार्मूला होगा उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, ए प्लस, ठीक है, क्यू, क्यू मतलब वही जो पार्ट बोला रहता है, 1/7 बोलेगा तो 1/7, तो 1/3 बोलेगा तो 1/3, यहाँ पर लिखेंगे बी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब ए हमारा है क्या, ए हमारा ये होता है और बी हमारा ये होता है, ठीक है, ये हमारा ए होता है, बी हमारा ये होता है, इसको पुट कर देते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास 7/4 हमने रख दिया, प्लस क्यू क्या बोला था 1/7, तो 1/7 रख दिया, और बी माइनस ए मतलब बी हमारे पास क्या था 35/8 था, क्या था 35/8 माइनस कितना था 7/4, इसका एलसीएम लेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस 1/7, इसका एलसीएम कितना आएगा 8 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 8 1 जाएगा, यहाँ पर 35 माइनस कितना हो जाएगा 14, ये हो गया हमारा, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 7/4 हमारा ऑलरेडी बच गया, ठीक है। मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको सब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 21, और ये 1/7 का मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 8, और प्लस में क्या करेंगे 7/4 कर देंगे, ठीक है, ये 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर में नीचे का नीचे में, तो क्या हो जाएगा 3/8, फिर इसको क्या करेंगे 7/4 से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7 2 जा 14,
और ये प्लस 3 तो हमारा 17/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 2 16 और 1 2 1/8 इसका आंसर फाइनली आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका फाइनली अगर आंसर आपको लिखना होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, लिखेंगे क्या, देयरफॉर टू, इसको पढ़ते हैं, टू होल 1/8 इज द रेशनल नंबर दैट इज 1/7 ऑफ द वे 1/7 ऑफ द वे फ्रॉम ऑफ द वे फ्रॉम वन वन होल 3/4 एंड 4 होल 3/8। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लास्ट में लिखे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा, मैंने डिटेल में इसको अच्छे समझाया आपको एक बार फिर से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं एज सुन एज पॉसिबल 7 वर्किंग डे में 7 दिन के अंदर तो मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, लेकिन मैं 1-2 दिन में दे दूँगा, मतलब 7 मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 7 दिन मैक्सिमम लगेगा। तो ये नंबर, इस पर आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। सबसे पहले आप कहीं भी कभी मैसेज करेगा तो अपना नाम और आप कहाँ से मैसेज कर रहे हैं ये भी जरूर बताएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।